नमस्कार। एकल एब्रुटिनिब ये एक ऐसी टैबलेट है जो हम ब्लड कैंसर जैसे CLL क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया नाम के कैंसर में काम में लेते हैं। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो CLL की बनाई है, वो उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो मैंने अपने उन पेशेंट्स के लिए बनाई है जो ये दवाई ले रहे हैं। चूँकि ये दवाई नई है, अभी अभी इंडिया मार्केट में आई है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है। तो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे खाना है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं वगैरह वगैरह, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो पहली बात, इसका नाम लोग इसको ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, दैट्स ओके। वैसे इसका नाम है एकल एब्रुटिनिब। इसका ही एक पुराना ड्रग आता था इब्रुटिनिब, जो बहुत कॉमनली मैं अब यूज करता हूँ, और ये दवाई अभी नई आई। दूसरी बात, इस दवाई से यूजुअली मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बट माइनॉरिटी ऑफ साइड इफेक्ट्स इस वीडियो में कवर किए हैं। लेकिन अगर आपको पहले इब्रुटिनिब वगैरह कभी मिला है और इब्रुटिनिब के कारण आपको कोई रिएक्शंस आए हैं बॉडी में, या ड्रग रिएक्शंस स्किन में चकत्ते वगैरह, तो अपने कैंसर डॉक्टर को पहले से बता के रखिए, हो सकता है एकल इब्रुटिनिब से भी आपको रिएक्शन आ जाए। अभी कोई भी कैंसर दवा चालू करने से पहले हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। एकल एब्रुटिनिब से भी पहले हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, LFT, ये देखने के लिए कि आपके बॉडी का रिजर्व्स किसी भी कीमोथेरेपी रिलेटेड ड्रग को लेने का कितना है। उस हिसाब से अगर पहले से ही हीमोग्लोबिन बहुत कम है या प्लेटलेट बहुत कम है, तो हो सकता है कि हम ये दवा कम डोज में स्टार्ट करें। कोई भी दवा होती है तो यूजली सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर, खाने के बाद, खाने से पहले या खाने के बीच में। एकल एब्रुटिनिब इज बेस्ट अगर आप एम्प्टी स्टोमक लें। यूजली ये दवाई हम दिन में दो बार लेने के लिए बोलते हैं, तो सुबह के नाश्ते से पहले या खाली पेट, और रात के खाने से पहले, या एटलीस्ट 2 घंटे का गैप रखिए शाम के खाने से पहले, या शाम का खाना अगर जल्दी खाते हैं तो फिर लेट नाइट दवा ले सकते हैं। बट सजेस्ट करता हूँ कि 2 गोलियों के बीच में एटलीस्ट 12 घंटे का गैप रखिए, बहुत कम गैप में गोली ना लीजिए। कोई भी खाने वाली दवा के साथ कुछ फूड इंटरेक्शन हो सकते हैं, उस फूड के कारण हो सकता है कि दवाई कम काम करे या ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाए। तो एकल एब्रुटिनिब के साथ ग्रेप फ्रूट फोटो आपके रेफरेंस के लिए, इंडिया में इतना कॉमनली यूज नहीं आता ये, बट अगर आप ग्रेप फ्रूट या ग्रेप फ्रूट जूस लेते हैं तो वो ड्यूरिंग एकल एब्रुटिनिब के कंजप्शन के टाइम अवॉइड करिए, मत खाइए, जिससे इंट्रेक्शन हो सकता है। मेजोरिटी ऑफ कैंसर रिलेटेड टैबलेट जो कैप्सूल्स हम लेते हैं उनका खाने से कोई बहुत ज़्यादा इंट्रेक्शन नहीं होता, लेकिन एकल एब्रुटिनिब एक ऑरेंज जूस से थोड़ा इंट्रैक्शन रखते हैं। तो अगर एक हैबिचुअल तौर पे आप डेली बेसिस पे ऑरेंज जूस वगैरह ले रहे हैं, तो एटलीस्ट 2 घंटे का गैप रखिए ऑरेंज जूस और एकल एब्रुटिनिब के साथ। अब जब भी ये टैबलेट कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है, हमेशा एक रिस्क रहती है गोली भूल जाना, या आप कहीं गए हुए हैं, गोली साथ में नहीं है और एक गोली मिस हो गई, तो उस दौरान क्या करें। जैसा कि मैंने बताया, हम 12 घंटे के गैप पे ये गोलियाँ दे रहे हैं। अगर आप सुबह की गोली भूल गए हैं और 3 घंटे के अंदर अंदर आपको याद आ गया कि मैं गोली भूल गया हूँ, तो आप उस गोली को ले सकते हैं। लेकिन अगर सुबह की डोज आपको 3 घंटे तक याद नहीं आई है और शाम की डोज अब पास आ गई है, तो सुबह की डोज भूल जाइए, सीधे शाम की डोज ले लीजिए और अगले दिन से वापस से अपनी सुबह शाम वाली गोलियाँ चालू कर सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि अगर आप 3 घंटे के बाद सुबह की डोज या 2 डोज के बीच में गैप कम हो गया, तो साइड इफेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, एक गोली मिस करने से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी पैनिक मत करिए, घबराइए मत। अब कोई भी गोली देते हैं एकल एब्रुटिनिब से, कोई ज़्यादा नौजिया, वॉमिटिंग ये सब नहीं होता है। फिर भी किसी कारण से अगर वॉमिटिंग हो जाए, बीमारी के कारण या किसी और कारण से वॉमिट हो जाए, तो प्लीज़ डू नॉट टेक, दूसरी गोली वापस मत लीजिए। एकल एब्रुटिनिब बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी के अंदर। अगर आपने आधी गोली वापस वॉमिटिंग कर दी और दूसरी गोली ली, आपकी डोज बढ़ सकती है, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब ये ओरल टैबलेट्स का कुछ ड्रग इंट्रैक्शन होता है। ड्रग इंट्रैक्शन मतलब वो दवाइयाँ जो आप किसी और कारण से ले रहे हैं, जैसे
इट्राकोनाजोल, किटोकोनाजोल, ये एंटी फंगल दवाइयाँ हैं जो नेल इन्फेक्शन, स्किन फंगल इन्फेक्शन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट या मेडिसिन डॉक्टर स्टार्ट करते हैं। या रिफेम्पिन, रिफेम्पिसिन, ये टीबी मेडिसिन है जो पल्मोनोलॉजिस्ट या मेडिसिन डॉक्टर चालू करते हैं। तो इस तरह की अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं तो अपने कैंसर डॉक्टर को बताइए, हमें हो सकता है या तो ये दवाइयाँ जो फंगल या टीबी के लिए हैं उनको चेंज करना पड़े या एक लैब्रोटिनिप की डोज ऊपर नीचे करने पड़े। इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ हैं जो थोड़ा बहुत रिएक्शन रखती हैं, ड्रग इंट्रैक्शन रखती हैं, जैसे रेनिडिडीन आजकल तो यूज बहुत कम हो गया है फिर भी, या फिर ओमेप्राजोल जो एसिडिटी के लिए काम में आते हैं। तो मैं यूजली जब एक कैलिब्रोटिनिप लिखता हूँ यूजली ओमेप्राजोल, पेंट्रोप्राजोल वगैरह नहीं लिखता हूँ। अगर कोई पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मुझे बहुत एसिडिटी हो रही है तो फिर मैं उसको कुछ लोकली एक्टिंग एंटासिड्स जैसे म्यूकेन जेल या सोडा पीना या इनो, इस तरह के लोकल एक्टिंग टैबलेट की बजाय वो दवाइयाँ देके एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए बोलता हूँ। एकलैब्रुटिनिप जो होता है वो एसिड डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन होता है, तो पेट के अंदर एसिडिटी रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके लिए अननेसेसरी आप एंटासिड्स या एसिडिटी कम करने की दवाएं जैसे ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल या ज़बरदस्ती इनो वगैरह नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके डाइट को मॉडिफाई करिए, फॉर एग्जाम्पल कर्ड ये खा के आप एसिडिटी कम कर सकते हैं। कुछ लोगों को मिल्क से आराम पड़ता है या कुछ लोगों को कुछ खाना अवॉइड करने से आराम पड़ता है जैसे मिर्ची वगैरह कम कर देने के लिए। अननेसेसरी एसिडिटी को कम करने की दवाइयाँ ना लीजिए, और अगर लेना भी पड़ता है तो उस तरह की दवाइयाँ लीजिए जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ना हो। दवाइयाँ जैसे म्यूकेन जेल उसके अंदर ये सब नहीं है। अगर आप कुछ हार्ट की मेडिसिन ले रहे हैं तो भी अपने डॉक्टर को, कैंसर डॉक्टर को बताइए, हो सकता है किसी कोई ड्रग इंट्रैक्शन हो और हमें चेंज करना पड़े। अगर आप ये दवाइयाँ लेना कंपलसरी है, नहीं अवॉइड कर सकते हैं, तो सजेस्ट करता हूँ कि इन दवाइयों और एकलैब्रुटिनिप में एटलीस्ट 2 घंटे का गैप हो। सो बेस्ट है मॉर्निंग डोज आप सुबह उठते ही ले लीजिए और अपनी एसिडिटी या रेनिडिडीन वगैरह ब्रेकफास्ट के वक्त 2 घंटे बाद करीब लीजिए, तो ड्रग इंट्रैक्शन कम से कम होगा। अब एकलैब्रुटिनिप के साथ खाने के साथ कुछ इंट्रैक्शन हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इसके साथ साथ आप अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब अवॉइड करिए, क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग एकलैब्रुटिनिप की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकता है सर्टेन लिमिट तक। अब जो महिलाएं ये दवाई एकलैब्रुटिनिप अपनी उस एज ग्रुप में ले रही हैं जो जिसमें वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, मेरा सजेशन ये है कि जब तक ये दवाई किसी भी कारण से चल रही है, आपको किसी भी बीमारी के कारण चल रही है, बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस करिए। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि बैरियर मेथड लाइक कॉन्डम या डायफ्राम या फिर कोइटस इंटरप्टस, मतलब स्खलन से पहले ही विड्रॉ कर लेना। हार्मोन टैबलेट्स डिपेंडिंग ऑन आपको क्या बीमारी के लिए दिया गया है, मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ, सब में सजेस्ट नहीं करता हूँ। अगर आपके जो डायग्नोसिस है उसके हिसाब से हार्मोन टैबलेट ले सकते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। इतना सब सुनने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि एकलैब्रुटिनिप कोई सिंपल दवा नहीं है, इसके कुछ रिएक्शन हो सकते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए ये गोली उस जगह मत रखिए जहाँ आप घर की बाकी गोलियाँ रखते हैं, तो आपके जो मेडिसिन कैबिनेट है घर में जहाँ आप एसिडिटी की दवाइयाँ या घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी दवाइयाँ रखते हैं वहाँ मत रखिए, या ऐसी जगह जहाँ बच्चों का हाथ पहुँचता है वहाँ मत रखिए, क्योंकि अगर कोई सरदर्द की गोली खा ले तो कोई ज़्यादा मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कैंसर की कोई दवा खा लेता है तो उसको साइड इफेक्ट हो सकता है। बूढ़े लोग ढंग से देख नहीं पाते या भूल जाते हैं, हो सकता है ये गोली गलती से ले लें या बच्चे मज़े में ये गोली ले लें तो उनको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो आप एक सेपरेट जगह बनाइए और उसी जगह रखिए, वो जगह डायरेक्ट धूप, बहुत ज़्यादा नमी इस जगह नहीं होना चाहिए, ड्राई कोल्ड प्लेस, ड्राई रूम टेम्परेचर। एकलैब्रुटिनिप और ये चीज मैंने इब्रुटिनिप की वीडियो में भी कवर करी है, ब्लीडिंग के चांसेस को बढ़ा सकता है। इसके लिए अगर आप कोई भी सर्जरी के लिए जाने वाले हैं, हो सकता है कैंसर रिलेटेड सर्जरी या फिर नॉन कैंसर रिलेटेड सिंपल सर्जरी जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन या फिर कैटरेक्ट रिमूवल या कोई मेजर सर्जरी,
इन सब सिचुएशंस के अंदर अगर सर्जरी प्लान सर्जरी है, इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, तो ये सजेस्टेबल है कि एक एब्रुटिनिब को करीब 5 से 7 दिन के लिए बंद रखा जाए सर्जरी से पहले। अब अगर इमरजेंसी सर्जरी आ गई, कुछ नहीं कर सकते, जाना ही पड़ेगा, लेकिन भी अपने जो सर्जन है उसको बता के रखें कि आप ये गोली ले रहे हैं, ब्लीडिंग के चांस ज़्यादा हो सकते हैं, वो प्रिपरेशन रखेंगे एक्स्ट्रा ब्लड का, एक्स्ट्रा प्लेटलेट का आपकी सर्जरी के दौरान। अब कुछ स्पेसिफिक बात करेंगे एक एब्रुटिनिब की। कैंसर की कोई भी दवा का एक साइड इफेक्ट होता है माइलोसप्रेशन। माइलोसप्रेशन मतलब बोन मैरो, जो बोन के अंदर ब्लड वगैरह बनाता है, ब्लड के कंपोनेंट्स बनाता है, जैसे हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट, उस सबको कम कर सकता है। अब कोई पेशेंट आके नहीं बोलता कि मेरा WBC कम हो गया है, मेरा हीमोग्लोबिन हो गया, वो किसी तरह के सिम्टम लेके हमारे पास आता है जब हम गोली स्टार्ट करते हैं। तो यूजली पहली बात, ये सिम्टम्स कब आते हैं, करीब करीब 14-15 दिन या 3 हफ्ते गोली को स्टार्ट करने के बाद ये सिम्टम्स आते हैं। तो लोग टैबलेट आज चालू करते हैं और कल से परेशान होना शुरू हो जाते हैं, अरे मेरी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है, मैं थकान हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है, इमीडिएटली ये सब साइड इफेक्ट्स नहीं आते। सो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने के बाद ये साइड इफेक्ट्स आते हैं। अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम हुआ है तो वो कंप्लेन कर सकता है कि मुझे थकान सी लग रही है, मूड अच्छा नहीं है, भूख नहीं लग रही है, इस तरह के अनिमिया के सिम्टम्स। किसी का अगर WBC कम है तो हो सकता है उसको इस दौरान फीवर आ जाए, लूज मोशन हो जाए, पेशाब में जलन रुक जाए, खांसी हो जाए, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो जब आप ये दवाई ले रहे हैं और लेते लेते 3 हफ्ते करीब हो गए हैं, तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है इन्फेक्टिव सिचुएशंस, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही खांस रहा है, जिसको कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, उससे दूर रखिए। घर में कुछ बच्चे हैं जिनको खांसी जुकाम वगैरह चल रहा है, उनसे थोड़ा दूर रहिए। और अगर फिर भी फीवर या लूज मोशन या पेशाब में जलन या खांसी वगैरह आती है, तो अपने ऑन्को डॉक्टर को कांटेक्ट करने के बाद कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे अमोक्सिसिलिन क्लैवुलिनिक एसिड और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो आपको इमरजेंसी किट में दिया जाता है, वो चालू कर दें। अब अगर प्लेटलेट कम होते हैं तो यूजली पेशेंट को स्किन में रैशेज, ब्लैक कलर के रैशेज आ जाते हैं, जिसको हम इकाइमोसिस भी बोलते हैं, या कभी दांतों से खून आ जाए, नाक से स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो जाए, ये भी गोली स्टार्ट करने के करीब 2 से 3 हफ्ते के बाद होती है, इमीडिएटली कुछ नहीं होता। इस दौरान आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को ट्रॉमा प्रोन कंडीशन, जहां आपको चोट लग सकती है, उससे अवॉइड करिए। सो बहुत अग्रेसिव स्पोर्ट्स या हैवी मशीनरी लाइक फुटबॉल या ड्रिलिंग या हैमर, इन सब से अवॉइड करिए। जो महिलाएं सब्जी वगैरह काट रही हैं, वो भी ध्यान रखिए गोली लेते वक्त कि कट लगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक हो सकती है। बच्चे अगर किसी कारण से गोली ले रहे हैं तो बहुत हार्ड ब्रश ना करें, बहुत हार्ड ब्रिसल्स ना करें, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला टूथ ब्रश यूज़ करें। फिर भी अगर ब्लीडिंग होती है तो अपने कैंसर डॉक्टर को बताइए, हो सकता है डोज बंद करनी पड़े, और बहुत ही कम प्लेटलेट चले गए हैं तो हो सकता है बाहर से प्लेटलेट लानी पड़े। सेम गोज फॉर लो हीमोग्लोबिन, बहुत लो हीमोग्लोबिन हो गया है तो बाहर से आपको ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है। थोड़ा बहुत कम है, 8-10 के आसपास है, तो 1 हफ्ता ये गोली बंद करके लो डोज पे हम चालू कर सकते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन वापस कंट्रोल में आ जाएगा। तो अब कैंसर की जर्नी में सबसे बड़ा डर होता है नोजिया वॉमिटिंग का। एक एब्रुटिनिब से यूजली नोजिया वॉमिटिंग नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी अपने प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट को एसिडिटी की और वॉमिटिंग की टैबलेट्स लिख के देता हूँ। अगर वॉमिटिंग होती है तो ऑंडासेट्रोन नाम की टैबलेट आप ले सकते हैं, ये ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है, और इससे वॉमिटिंग यूजुअली कंट्रोल में आ जाती है, अगर होती भी है तो। ड्यूरिंग वॉमिटिंग इंपॉर्टेंट ये है कि आप खाना पीना बंद नहीं करें। लोग खाना पीना पानी बंद कर देते हैं कि वॉमिटिंग हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके खाते पीते रहिए। एक एब्रुटिनिब से कभी कभी रैश हो सकता है बॉडी के अंदर, ये काफ़ी इचिंग होता है, इसको खुजाइए मत। स्टेरॉइड क्रीम जैसे बीटामेथासोन ये सब चीज़ ना लगाइए, आपको लगाना है तो कैलामीन लोशन लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्किन रैश हो रहे हैं, पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो गई है, तो आप अपने कैंसर डॉक्टर को बताइए, हो सकता है कि आपको कोई ड्रग रिएक्शन हो, जिसको फिक्स ड्रग इरप्शन या स्टीवन जॉनसन इस तरह की जो बीमारियाँ बोलते हैं वो हो रहा हो, उसके अंदर मेडिकल अटेंशन कंपलसरी है। और कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स एक एब्रुटिनिब के साथ हो सकते हैं, जैसे बॉडी के अंदर दर्द रहना, सर दुखना, थोड़ा मसल सोरनेस वगैरह, ये सब माइनर सिम्टम्स हैं, मतलब इनके लिए डोज को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो कोई भी पेन किलर जैसे पैरासीटामोल, डोलो या क्रोसिन, इस सब की दवा लेकर आप
इन सब से डील कर सकते हैं। अब वीडियो के एंड में हेयर लॉस के बारे में बात करेंगे जो एक एलेब्रोटिनिब से नहीं होता है। सो इसके बारे में आप चिंता ना करें, अननेसेसरी गोली को स्टॉप ना करें। जाने से पहले मैं दो चीज़ें और बताऊंगा। बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट है कि एक एलेब्रोटिनिब या एब्रोटिनिब से हार्ट की रिदम, तो हार्ट अगर नॉर्मली ऐसे ऐसे धड़क रहा है धक 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 धक, इस दवा कोई 100 में से एक या दो लोगों को धड़कन में चेंजेस आ जाते हैं तो हार्ट गड़बड़ तरीके से धड़कने लगता है। तो पंपिंग तो ठीक है लेकिन रिदम गड़बड़ हो गई, किस तरीके से धक 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 की जगह हो सकता है ऐसे करने लगे। इसमें यूजुअली पेशेंट का बीपी कम हो सकता है या उसको पाल्पिटेशन मतलब धड़कन फील होने लग सकती है। इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और सेकंड बात, जो मैंने स्किन रैशेज बताए उसको नेगलेक्ट मत करिए। एक एलेब्रोटिनिब के चलते चलते हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे हर्पीज इन्फेक्शन होता है वो हो जाए। ये स्पेशली ट्रू है जिसको हिंदी में नागिन वगैरह बोलते हैं, किसी एक लाइन में अगर स्किन रैशेज आ रहे हैं, अगर आपको इस तरह के स्किन रैशेज है जो एक लाइन के अंदर है, हम उसको डर्माटोमल रैशेज बोलते हैं, तो आप अपने डॉक्टर को मिलिए या एटलीस्ट फ़ोन करिए, बिकॉज ये इन्फेक्शस है, आपसे दूसरे लोगों को लग सकता है। सो इस तरह के रैश को आप नेगलेक्ट मत करिए, एटलीस्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन करिए। किस सिचुएशन में डॉक्टर से मिलना है? स्किन रैशेज, हाई ग्रेड फीवर 101 के ऊपर, बहुत ज़्यादा लूज मोशन या कोई इन्फेक्शन जैसे यूरिनरी बर्निंग या फिर छाती में कफ वगैरह, और लास्ट हार्ट की पंपिंग में आपको अगर कुछ गड़बड़ लगे, बीपी कम हो जाए सडनली या हाथ धड़कन गड़बड़ लगे, ये सब सिचुएशन है। थैंकफुली 100 में से माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट को, सिंगल डिजिट परसेंट पेशेंट को ऐसा तकलीफें होती है, अदरवाइज एक एलेब्रोटिनिब मेजोरिटी ऑफ लोगों को टॉलरेट अच्छे से होती है। एट द मोस्ट हो सकता है डोज थोड़ी ऊपर नीचे करनी पड़े, अदरवाइज ये गोली ब्लड कैंसर में काम करती है। आशा है इस वीडियो से आपको प्रैक्टिकल पॉइंट्स मिले होंगे जो एक कैंसर पेशेंट जो ये दवाई दे रहा है उसके लिए ज़रूरी है। अगर आप किसी को जानते हैं जो इस तरह की दवा से सफ़र कर रहा है, साइड इफेक्ट या चालू करने वाला है, उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मेरा एक सेपरेट प्रोग्राम है पाठशाला, जिसके अंदर यही दवाइयाँ हमने और डिटेल में डिस्कस करी हैं, उन लोगों के लिए जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैराक्लिनिकल स्टाफ है, या वो पेशेंट जो इस दवाई के बारे में और डेप्थ में जानना चाहते हैं, वो सब वहाँ आप एनरोल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया।